ले भैया ले, धर्राएं से काट रही है वो। बहुत अच्छा लगा। तो गाइस जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं और कहां जाने वाले हैं इस ब्लॉग में, तो गाइस यार आज हम जाने वाले हैं संभल। संभल में आप तो समझ ही गए होंगे आज हम किससे मिलने जा रहे हैं। तो गाइस यार आज हम मिलने जा रहे हैं ओम्फो वाले चाचा से, क्योंकि यार ओम्फो वाले चाचा के साथ जो है हमें एक वीडियो शूट करनी है एंड और एक ब्लॉग शूट करना है ओम्फो वाले चाचा के साथ। तो यार और ये बाकी के टीम मेंबर कुछ कहना चाहोगे? माइकल जैक्सन भी हमारे साथ, माइकल जैक्सन। और ये है सस्ता माइकल जैक्सन, सस्ता माइकल जैक्सन फर्स्ट कॉपी। और ये कविता जी जैनी कॉपी करता है, कॉपी वर्जन है ये, फर्स्ट कॉपी बनाया है। तो गाइस यार बाकी के जो बंदे हैं फ्रेश होने गए हैं एंड और आ ही चुके होंगे यार, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इमरान भाई आ गए, वसीम भाई, चलो भाई क्या रेडी, हमारे ड्राइवर साहब आ गए। अब सीधा हम संभल जाके रुकेंगे, बहुत मजा आएगा यार। ये भाई पूरे ब्लॉग में हंसता है, ये बंदा जो है पूरे ब्लॉग में बिहाइंड द सीन में हंसते ही रहता है यार। ये अभी हम जो जाने वाले हैं ओम फो दरियाडे का रियल नेम है, लगा दे कुछ दिखा दे तुम्हें कौन है कहाँ से है। केले 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 नहीं केले केले पानी लेकर आया, पानी बोतल, केले बहुत लंबे मिले हैं। वसीम भाई 2 रुपए का मिलता है हमारे यहाँ पे, पता है कितने का दिया? कितने का दिया इमरान? 10 रुपए का, इतना सा बहुत लगा लो यार, अब कितनी ज्यादा महंगाई है यहाँ पे। तो गाइस अभी अभी हमने जो है संभल की तरफ को जो है टर्न लिया है। कितने का लिया? कितने का लिया है? मैंने सुना संभल में कंबल बहुत मिलते हैं, संभल में कंबल करेंगे, संभल में कंबल में लिट के। अभी हम पहुंच चुके हैं संभल और संभल में अभी मालूम करना है सराय क्या है उनके चाचा का नाम, सराय त्री। हम पूछते हैं कैब भाई ने अंकल को बुलाया है, कितनी दूर पड़ेगा यहाँ से? कितने किलोमीटर होगा? 3 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, थैंक यू अंकल। तो अभी अंकल से हमने पूछा है कि सराय त्रीन किधर पड़ेगा, जो वो वाले चाचा का गांव का नाम है, तो 1.5 डेढ़ किलोमीटर है। तो अभी हम जा रहे हैं, वसीम भाई ड्राइव कर रहे हैं, मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैंने भाई मैंने सोना थोड़ा सा। चलते हैं सराय त्रीन ओम वाले अंकल के घर पे। इधर है माइकल जैक्सन, सस्ता माइकल जैक्सन, फर्स्ट कॉपी नहीं सेकंड कॉपी। और कैब रोस्टर लगा ले, ये अच्छा लगता है तेरे पे। ये इमरान भाई इधर देखो, इमरान है बहन का लौंडा, बहन का लौंडा। क्या गाँव का नाम बहन का लौंडा? नहीं इमरान। यार ये यार कहाँ है, अभी 1.5 किलोमीटर कहाँ से आ गए यार? फ्रेंड हमें फिर से पूछना पड़ेगा किसी से, क्योंकि हम आ चुके हैं 1.5 किलोमीटर, जो पीछे अंकल ने बोला था कि 1.5 किलोमीटर कितने सारे चलने के बाद वो गांव पड़ेगा, शायद ये वाला गांव है। अंकल इनसे पूछिए, अंकल जा रहे हैं सराय त्रीन। अंकल जी यहाँ पे सराय त्रीन किधर है? किधर है? अंकल साहब पान खा रहे थे अंकल, और अंकल बोले नहीं है, और अंकल ने ये क्या है? कोई बात नहीं अंकल, साथ पान खा रहे हैं अंकल। अंकल तुम्हारा घर बार किधर है? तो गाइस ये पहुंच चुके हैं हम ओम्फो वाले चाचा के गांव में। तो हम मेन लोकेशन है, उनका गांव जो है बिल्कुल मेन है। अभी यहाँ जाके हम पूछेंगे भैया से, भैया ये सराय त्रीन है ना, यहाँ पे ओम्फो वाले चाचा का घर किधर है? ना है यहाँ की, है ना वो रहने वाले, वैसे है तो यहाँ की दूसरी साइड गए, कोट लेके पूछ लेना आगे जाके। ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक यू भैया।
मैं जाता हूँ ठीक है। अरे हाईवे से भाई कोटला किधर जाना है? कोटला बिल्कुल सीधे चले जाओ। उम्फो वाले चाचा का गांव है। उम्फो वाले का चाचा गांव पता नहीं यार। कोटला सीधे जाना है? कोटला सीधा बिल्कुल सीधे चले आओ। पीछे से हाँ वकील साहब है कोई, उनसे मिलो। वकील साहब, वकील साहब किधर है? वो भी कोटले मिलेंगे, वो मिलेंगे दरबार में आपको। वकील साहब आगे चले, वकील साहब ही उनसे कांटेक्ट कराएंगे। हाँ। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो शायद हो सकता है वो नहीं मिल पाए आपको, लेकिन गाड़ी नहीं हमारी ना, दरबार में चली जाएगी। इधर से जाएगी, इधर से पुलिस चौक में जाएगी। पुलिस चौक में ये अभी मेरी भाई तो मिले हैं इन्होंने। मैं बुरा कमा गई तो भाई पूछ रहा था किसी से, मगर मैं बुरा कमा चला गया ना, किसी ने पीछे को भेजा है। मिक्की वकील, मिक्की वकील साहब, तो गाड़ी जहाँ तक पहुँच जाए सुकून से, वो वहाँ पर रास्ता बता दो। कौन सा वाला? वो नहीं को बुलवा लेंगे। हाँ बताया, मिलना वकील से मिलना पड़ेगा। वकील साहब से मिलना पड़ेगा। जहाँ पर आपने ये पूछा था ना, कमरे पे जो लोग लोग बैठे थे, उनसे ये पूछ लेना, बोले दरबार में को रास्ता, आप सीधे जाओगे, आप नंबर सीधे आएगा, पुलिस चौकी में पहुँचोगा। नंबर लेके देना पड़ेगा। 222000 ये 94124 ट्रिपल टू वकील साहब का नंबर है। दरबार मिल जाएंगे वो? हाँ, वो कचहरी पे हैं। कहाँ है आपको बता देंगे। मैं आ रहा हूँ, बैठो क्या करना है। शुक्रिया। तो गाइस फिरकी वाले चाचा को ढूंढने में हमारी फिरकी बन चुकी है पूरी क्योंकि हम घूम गए हैं पूरे पीछे वो साइड, एक भैया बोला वो साइड चले जाओ, वहाँ से गाड़ी नहीं जाएगी। भाई कभी इधर कभी उधर, नंबर मिल गया है उनका। कल पर बात हो गई है वकील साहब से, वकील साहब बोल रहे हैं मिलवाने के लिए। भाई वकील साहब कार्रवाई धरी है, बिल्कुल सही चल रहे हैं भाई, आने वाले हैं। 700 मीटर है। तो गाइस फाइनली हम जो है वकील साहब के दरबार पे पहुंचने वाले हैं, कुछ ही मीटर की दूरी है। दरबार आ चुके हैं गाइस। हेलो गाइस, पहुंच चुके हैं वकील साहब के दरबार पे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहां पे दरबार पे। अब जो है हम वकील साहब से मिलेंगे और ये बाकी के बंदे जो है गाड़ी से उतर रहे हैं, देख सकते हैं आप पीछे। गहरा वकील साहब के दरबार का क्या था ये? गहरा वकील साहब के दरबार का। ओ भाई आपको बता दूं, फाइनली हम चाचा से मिल चुके हैं जो वकील साहब ने हमारे बहुत हेल्प की। इन्होंने इनका कॉन्टेक्ट मिला हमें, तो इन्होंने कॉल की कि आ जाओ घर पे। इन्होंने घर पे बुलाया हमें और चाचा से डायलॉग बुलवा लो जो बुलवाना है तुम्हें। हाँ दरियाटे कटवाएंगे इससे अब हमारे, यही फिर की है जिसने दरियाटे काट रखे हैं, सारी ट्रेंडिंग में वीडियो चल रही है। ट्रेंडिंग में दरियाटे यही फिर की है, यही फिर की है वो। अरे ले भैये ओम फो, दरियाटे काट रही है। अरे ले भैये ले, दरियाटे काट रही है ओम फो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा डायलॉग लगा पब्लिक को, ये जो पब्लिक को पसंद आया। और चाचा को बहुत फेमस कर दिया है सब लोगों ने। और अब चाचा आम चाचा नहीं रहे हैं, प्लाईवुड की कौन सी प्लाईवुड की। अरे ले भैया ले ओम फो, धरनाटे काट रही है। अरे ले भैया ले ओम फो, मैं
मैंने भी काट दिया ताऊ के साथ धरियाटे। चलो देखिए सही धरियाटे काट रही है ना। तो ये है, तो गाइस ये हमारे चाचा हैं। फिर ये चाचा जो सोशल मीडिया पर धरियाटे कटवा रहे हैं, ये यूट्यूब क्या इंस्टाग्राम क्या फेसबुक हर जगह धरियाटे धरियाटे काट रहे हैं चाचा। ये कासिम धरियाटे काट गया इधर। ले भैया मैंने भी चाचा के साथ धरियाटे काट दिए। ओम फो चाचा वाला डायलॉग तो मार दो। उनका वाला था सोनोट वाला बनानी पड़े हैं बातें बच्चे लोरे ना आते। और बुढ़िया का है बासी काल में वो जो डायलॉग है वाला मार दो। वाला मारो चाचा। माल मिलेगा पेवर चलावे भाभी तो रोवे देवर। आज आज मोखा तुड़ा लो सोखा, 2 रुपए की एक अम्मी को दिख कर पापा को देख। गाइस मैं तुम्हें बता दूं, अभी चाचा कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं कि मुझे कुछ बोलना है, तो मैं आपको दिखाता हूं क्या बोल रहे हैं। चाचा आप क्या बोलना चाहते हैं भाई? ये बोलना चाहते हैं हमारा घर भर जाता है पूरा, सब मोहल्ले के लोग सारे आ जाते हैं, बच्चे बड़े छोटे सब आ जाते हैं, घर भर जाता। और दूसरे के काम हो रहा, बच्चे कर रहे हैं चिपकाई मरम्मत है, कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम करें दूसरे का मजदूरी पे, तो वो भी रुक जाता है, खाना पकाना भी रुक जाता है। यहाँ हमें वकील साहब का यहाँ भाई मैं वहाँ मिलूंगा तो... नहीं किसी को तकलीफ होगी, दूर दराज से आते हैं लोग, सही उन्हें तकलीफ होगी फिर अगर मैं ना मिलूंगा, और आने के बाद में अगर ना मिले तो उसे तकलीफ होती बेचारे को जो भी किराया खर्च करके आते हैं। सही बात, ठीक है ना। तो चाचा का कहना है कि परेशान कोई ना करें क्योंकि इनको कोई भी रास्ते में घेर लेता है, तो वकील साहब से कॉन्टेक्ट कर लें। ये केमिकल की मुझसे नहीं चल रही है, टूट जाएगी। ले ले भैया धरियाटे काट रही है। तू क्या चला रही है? अरे तुम बड़े आदमी हो, धरियाटे काट रही है, तुम मालिक है इसके। इमरान ये समझे, ले चलाते ले भैया धरियाटे कटवा दी। तो गाइस फाइनली हमने चाचा से मिल लिए हैं, जो बातें करनी थी वो भी हो गई, अब चल रहे हैं हम अपने घर की तरफ। तो गाइस मैं बता दूं हमें जो है काफी अच्छा लगा चाचा से मिल के। तो यार बहुत चाचा ने यार बहुत अच्छे से बात की है, चाचा की बातों को यार ध्यान से दे, चाचा की मदद भी करे, और बिल्कुल यार बहुत अच्छा लगा चाचा से। पीछे मेट्रो आ रहे हैं यार, तो इसलिए भाई थोड़ा साइड देना पड़ा, बट यार बहुत मजा आया। धरियाटे काट दिए, ले भैये ले भैये दो वाली दो वाली डंडी, जैसी गंदी वैसी गंदी, 5 रुपए वाली का प्लाईवुड की टूटे शरीर टूटेगी। उसने घुमा दी केमिकल की बरांडे ले ली, चोट मार सकती है जो एकदम टूट सकती है केमिकल की, तो वो इमरान भाई ने ले ली है।